बातचीत नहीं करो। अरे क्या हुआ? हाँ जी, टाइम नहीं है ज्यादा, एक घंटे का ही टाइम है, पूछो जल्दी जल्दी। सबको माफ का परिचय देना है, पर अगर हमें किसी के चलन से पता है कि वो इसका हंसी उड़ाएगा या इसको नहीं चलेगा, तो क्या हमें उसको परिचय देना चाहिए? माने किसी को परिचय देना है और किसी को परिचय नहीं देना है? किसी को बताना है, सबको बताना है, सबको बताना है कि भगवान बाप आया हुआ है, नई दुनिया स्वर्ग स्थापन होने वाला है और पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। ये तीन बातें सबको बतानी है। और अगर वो उसके चलन से अगर दिखता है कि वो हंसी उड़ाएगा, नहीं मानेगा, तो क्या हमें उसे बताना है? हमें किसी के अवगुण देखना है, अवगुण देख करके संदेश देना है, गुण देख करके संदेश देना है, यह सबको संदेश देना है, है? ऐसा कोई है दुनिया में जिसमें गुण और अवगुण ना हो? कोई है? सबके अंदर गुण भी है कुछ न कुछ, और सबके अंदर अवगुण भी है। तो बाबा का संदेश तो सबको देना है। भगवान किसी को संदेश देते हैं तो ये बताते हैं अभी तो भगवान से पढ़ रहे हैं, कहते हैं हैं? ये कहते हैं अभी तो भगवान से पढ़ रहे हैं, तो आप भगवान से पढ़ रहे हैं तो हमें भी दिखा दो भगवान कहाँ है। हमारा का भगवान नहीं है, तुम्हारा कहाँ? आपका भगवान है, भगवान से आप पढ़ रहे हैं, गीता ज्ञान सुन रहे हैं, तो वो भगवान को हमें भी दिखा दो ना। बिंदु भगवान है, वही बिंदु भगवान हमारा वही पढ़ा रहा है। बिंदु भगवान कैसे पढ़ाता है? हाँ वो आप उनसे पूछिए ना, आप हमें क्यों बता रहे हैं? आप उनसे पूछिए कि बिंदी कैसे पढ़ाएगी, बिंदी गीता का ज्ञान कैसे सुनाएगी, और बिंदी गीता का ज्ञान ब्रह्मा के तन में सुना के भाग जाएगी कि पतितों को पावन बना के जाएगी, पतित दुनिया को पावन बना करके जाएगी, या बीच में चला जाएगा भगवान? दुनिया में भी कहा जाता है कि जो अच्छे और श्रेष्ठ लोग होते हैं वो या तो काम कोई शुरू नहीं करते हैं, और शुरू करते हैं तो उसका अंत करके जाते हैं, बीच में अधूरा काम छोड़ करके नहीं जाते हैं, उनको श्रेष्ठ आदमी कहा जाता है। समझा? तो भगवान तो श्रेष्ठ की मत लेकर के अब हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है और दुनिया का कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसके नाम के पहले श्रीमत लिखा हो। लिखा है श्रीमद् भागवत, लेकिन उसमें तो भगाने की कथा है, गीता का ज्ञान थोड़े ही है। भगवान ने भगा करके थोड़े ही कोई नई दुनिया बनाई। ज्ञान से गति सदगति होगी कि भगाने से गति सदगति होगी? ज्ञान से सदगति होती है। हाँ ये जरूर है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता है वो भगवान के पीछे भागते हैं,
जिनकी बुद्धि में नहीं बैठता है, गहराई से ज्ञान ही नहीं बैठा, ऊपर ऊपर की बातें उठा ली, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, बस ऊपर ऊपर उठा लिया और दुनिया को भरमाने लगे, खुद गहराई में गए ही नहीं, खुद भगवान को पहचाना ही नहीं। भगवान तो बहुत गुप्त है, परे ते परे रहने वाला है। आत्माएं परे ते परे नहीं रहती हैं। भगवान को कहा जाता है परात्पर, तो ऐसे भगवान को जानना, पहचानना, समझना और फिर उसकी बातों को फॉलो करना, उसको श्रीमत कहा जाता है। ऐसे नहीं कि भगवान श्रीमत देता है कि भगाना शुरू कर दो, भगवान ज्ञान की श्रीमत देता है या भगाना करना सिखाता है। भागने वाले अपने आप ही भागते हैं या भगवान कहता है मेरे पीछे भागो? नहीं। और बाबा कहते हैं राम ही रावण बनता है, कृष्ण की आत्मा राम में प्रवेश करके हिसाब किताब चुप्त करने के लिए उससे गलत काम कर दो, तो अभी प्रैक्टिकल में इसका पार्ट कौन सा? अभी राम रावण कैसे बनेगा? राम जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली हीरो पार्टधारी आत्मा है या कम शक्तिशाली है? है तो सबसे जो शक्तिशाली आत्मा है, जब सब अपना अपना करिश्मा दिखा चुके तब अंत में करिश्मा दिखाएगी या पहले ही करिश्मा दिखाएगी? तो दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं उन सब ने अपना करिश्मा दिखा दिया क्या पावरफुल बनने का? दिखा दिया? नहीं दिया। वो राम वाली आत्मा तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का बीज है, हर मनुष्य मात्र की आत्मा में जो अच्छाई या बुराई भरी हुई है उन अच्छाइयों का और बुराइयों का भी बाप है। ये सिर्फ अच्छाइयों का ही बाप है, है? बुराइयों का भी बाप। तो दुनिया अभी बुरे से बुरी, सभी आत्माएं बुरे से बुरा पार्ट बजा चुकी है? अभी नहीं बजाई, तो अभी कहां से हो गया बाप? रावण का बाप अभी कैसे कहेंगे? जो रावण का बाप है उसको शास्त्रों में भी दिखाया है कि प्रजापति, उसको अहंकार चढ़ गया, देवभान चढ़ गया, तो उसका रिजल्ट उसे दिया बकरे का मुंह दिखा दिया। बकरा क्या करता है? मैं। तो प्रजापिता को भी शिव बाप साक्षात्कार करा देते हैं, क्या कि तू भगवान नहीं है, भगवान कोई देहधारी नहीं हो सकता, मैं करने वाला तो भगवान हो ही नहीं सकता, भगवान तो एक ही निराकारी स्टेज वाला होता है, और प्रजापिता तो इतने देहभान में आ जाता है कि शिव शंकर भोलेनाथ को भी गालियां देने लग पड़ता है। तो तमो प्रधान की आती हुई या मध्य हुआ आती हो गई, तो जब सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है, अत्याचारी दुराचारी बन जाती है,
तो सबका बाप बन के वो प्रत्यक्ष होता है, जो सारी दुनिया नहीं कर पाती है। वो कार्य वो करके दिखाता है। देवान से कहो, अपवित्रता से कहो, विनाश पवित्रता से होता है या अपवित्रता से होता है? अपवित्रता से होता है विनाश। तो दुनिया की सबसे जास्ती अपवित्र आत्मा कौन सी बनती है? है जो अनेकों के साथ व्यभिचारी कर्म करके सारी दुनिया का ध्वंस करा देती है। किसमें ताकत है? इसलिए व्यक्तवाणी में बोला, मुरली में भी बोला कि तुम बच्चे अति नहीं ला सकते हो, अति का अंत तुम्हारे द्वारा नहीं होगा। जल्दी चाहते हो विनाश हो जाए, इस दुनिया से दुखी हो गए, तंग हो गए ना, लेकिन विनाश कब होगा? जब अति होगी तब ही अंत होगा, लेकिन ये अति तुम नहीं कर पाओगे। कौन करेगा अति भी? जो हीरो पार्टधारी है उसी के द्वारा अति निधि हुई है, वो ही दुनिया का अंत करने के लिए निमित्त बना हुआ है। इसलिए त्रिमूर्ति में भी चित्र लगा हुआ है, समझानी भी दी जाती है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। थोड़ो बहुत का विनाश या सारी दुनिया का विनाश? सारी दुनिया का विनाश। और अभी शूटिंग पीरियड चल रहा है, जो जो भी आत्मा जितने भी जन्म लेती है उस जन्मों की शूटिंग अभी कैसे होती है? कैसे पता चले कि अभी एक जन्म, जैसे 84 जन्म अगर कोई आत्मा लेती है तो उसका एक जन्म अभी पूरा हो गया, फिर वो दूसरा जन्म की पीरियड में आ गया? एक जन्म पूरा हो गया नहीं, अच्छाई और बुराई दोनों की शूटिंग साथ साथ चलती है। जब हम श्रीमत पर चलते हैं और श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ वातावरण बनाते हैं तो हम श्रेष्ठता की शूटिंग करते हैं, और जब श्रीमत के बर खिलाफ माया की मत पर चल पड़ते हैं तो हम नीचे जन्मों की शूटिंग करते हैं। अभी ऊंचे और नीचे दोनों प्रकार के जन्मों की शूटिंग हो रही है। अच्छी भी शूटिंग हम कर रहे हैं और बुरी भी शूटिंग कर रहे हैं। और हॉस्टल में रहता हूँ, हाँ, तो खाने के लिए मेरा ये कहना है कि मैं खुद से बना के खाऊँ, जैसे बाबा की श्रीमत है, हाँ, तो लौकिक माता जी को अभी मना कर। ओ, लौकिक माता जी की श्रेष्ठ मत है या शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है? वो भी अभी आई है, अभी आई हुई है, वो विज्ञान में चलती है। हाँ हाँ आए हुए है, लेकिन बात तो आप पूछ रहे हैं ना कि किसकी मत पर चलें? शिव बाबा की मत पर चलें, जो कहते हैं कि संग से रंग लगता है, तो श्रीमत का संग करेंगे या दूसरी आत्माओं का संग करेंगे? किसकी बात मानेंगे? बाबा की बात माननी चाहिए तो हमारा कल्याण होगा। बाबा ने तो क्लियर करके बता दिया, माँ बाप होते हैं बच्चों के दुश्मन, उल्टी मत दे देते हैं मोह में आकर के, हाय मेरा बच्चा भूखो मर जाएगा। ये नहीं समझते हैं
देखिए होटल में खाना खाएगा या हॉस्टल में, पता नहीं कैसे गंदे गंदे लोग खाना बनाते हैं, कैसे संकल्पों में रमण करते हैं। ऐसे गंदे वाइब्रेशन वालों का हाथ का आंखों का देखा हुआ भोजन खाएगा तो हमारे बच्चे की बुद्धि व्यस्त हो जाएगी। इसलिए बोला माँ बाप होते हैं बच्चों के दुश्मन, वो मोह में आकर के डायरेक्शन देते हैं बच्चों को, ऐसा करो। और हाँ जी, जो पारसी होते हैं वो लाश को जलाते नहीं है पर जो तिल और गहूं के लिए समझ देते हैं, तो उसका क्या बेहद क्या, क्या होता है? पारसी जो होते हैं ना, पारसी लोग जो होते हैं वो लाश को जलाते नहीं है, लाश को कुएं के या पोखरे के किनारे रख देते हैं, क्योंकि कुएं के किनारे और पोखरे के किनारे जीव जंतु आते रहते हैं पानी पीने के लिए। तो लाश को रखा हुआ देखेंगे तो खा पी के उसको खत्म कर देंगे। तो लाश भी उनकी काम में आ जाएगी। तो कल्याण का काम हुआ या कल्याण का काम हुआ है? जिसकी लाश है जिस आत्मा की, उसका कल्याण होगा या अकल्याण होगा है? कल्याण तो होगा, लेकिन मानो कोई जीव जंतु नहीं आया दो तीन दिन तक, तो क्या होगा अंजाम है? उस लाश में से बदबू निकलेगी, सारे वातावरण को दूषित कर देगी, गंदा वातावरण बन जाएगा। इसलिए पारसी लोगों की जितनी अकल है उतना उन्होंने काम किया। पारसी द्वापर में होते हैं या सतयुग त्रेता में होते हैं? द्वापर में होते हैं। द्वापर में जो भी मनुष्य आत्माएं होती हैं, कोई भी धर्म की हो, वो पार को देखने वाली होती हैं। पारसी, सी माने देखना और पार माने पार को देख ले, तो उनकी बुद्धि पारलोक को देखने वाली होती है क्या? है नहीं होती है। असल में पारसी तुम बच्चे हो, जो पारलोक में रहने वाले परमपिता परमात्मा को भी देख लेते हो। इसलिए तुम आत्मिक स्थिति वाले बनते हो, देह की परवाह नहीं करते। देह तो पांच तत्वों से बनी हुई है, तो क्या करना चाहिए? पांच तत्वों को पांच तत्वों में विलीन कर देना चाहिए। जमीन में गाड़ेंगे तो भी विलीन नहीं होंगे जल्दी, पोखरे कुएं के किनारे रख देंगे तो भी पांच तत्व जल्दी विलीन नहीं होंगे। जो अर्थी है मुर्दा है उसे तुरंत खलास करना चाहिए, इसलिए जलाए देना चाहिए। इसलिए हिंदू लोग आज भी देह को जलाते हैं ताकि पांच तत्वों में मिल जाएं। ब्राह्मणों को भी यही करना चाहिए कि अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उसके शरीर को जला करके राख कर दें, देवान का नाम निशान देखने को न रहे, ऐसे नहीं उसके फोटो खींचते फिरें, फोटो खींच खींच के रखेंगे तो मुर्दे का फोटो देख करके देवान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तुरंत उसका नाम निशान खत्म कर देना चाहिए, बुद्धि में कभी याद भी नहीं आना चाहिए।
खत्म हुआ, आत्मा तो अविनाशी है। मुर्दे की देह को याद करना अच्छा या उसमें जो आत्मा थी उसको याद करना अच्छा? आत्मा को याद करना तो फिर भी ठीक, आत्मा बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, आत्मा परमात्मा बाप की संतान है, तो बाप से शक्ति लेकर के उस आत्मा को भी दान देना है योग का, ये तो अच्छी बात है। कंपनी में जगन्नाथ जी का मंदिर पूजा होती है मंदिर में, सवारी मुझे सुअर की दिखाई है, सुअर की सवारी दिखाई है, सुअर की सवारी दिखाई। हाँ जी, नाम है विमलनाथ, विमाने विपरीत, मल माने गंध, मलमूत्र माने गंध के विपरीत, गंध के विपरीत सुगंध हुई या गंदा हुआ है? सुगंध हुई। और वि माने विशेष और मल माने गंदा, विमल माने विशेष गंदा। इससे साबित होता है कि विमलनाथ स्वामी जो थे वो पुरुषार्थ करने से पहले विशेष गंदे थे। जब भगवान बाप ने प्रवेश किया, शिव ने प्रवेश किया, पुरुषार्थ करना सिखाया, तो विशेष मलमूत्र से विपरीत हो गए, श्रेष्ठ बन गए। ऐसी श्रेष्ठ बनने वाली आत्मा जिसको विमलनाथ स्वामी कहा गया, उसकी सवारी सुअर के ऊपर दिखाई है। सुअर क्या करता है? है सुअर कीचड़ में लौटता है, क्या करता है? कीचड़ में लौटता है। तो कौन से धर्म की आत्माएं हैं जो विकार भोगती हैं तो लंबे समय तक विकार भोगती रहती हैं? कीचड़ में जैसे भैंसा या सुअर लौटता है ऐसे लौटती रहती है, कौन सा धर्म है? है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की भी कोई पावरफुल आत्मा होगी, कौन है? है इस्लाम धर्म की पावरफुल आत्मा है सुअर। हिंदुओं में उसको शुक्राचार्य नाम दिया है, कौन सा आचार्य? शुक्र, शुकर, शुकरावतार, देवताओं का गुरु। देवताओं से ज्यादा पावरफुल होगा या कम पावरफुल होगा? ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसे ही असुरों का, दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य असुरों या दैत्यों से ज्यादा पावरफुल होता है या कम पावरफुल होता है? है, है? ज्यादा पावरफुल होता है। तो अगर शुक्राचार्य को कंट्रोल में कर लिया तो सारे दैत्य कंट्रोल में आ जाएंगे कि नहीं? आ जाएंगे। तो विमलनाथ स्वामी ने यही काम किया, क्या किया? कि शुक्राचार्य सुअर को सवारी कर ली,
पहले ये काम किया। तो उनको यादगार दिखाई गई है। कंपिल में जो बिमलनाथ स्वामी का मंदिर है उसमें सुअर उनकी सवारी दिखाई। और पपीहा है उसकी प्यास बुझती नहीं है क्या? जब तक बरसात न शुरू हो जाए और बरसात की पहली बूंद उसके मुंह में जब तक न गिरे तब तक चिल्लाता रहता है। तो कौन सा पपीया है जिसके मुख में बरसात की पहली बूंद गिरती है तो मोती रतन बन जाता है क्या? और प्राणियों के मुख में वो बरसात की बूंद गिरती है तो रतन नहीं बनता है, लेकिन उसके मुख में जब गिरती है तो क्या बन जाता है? रतन बन जाते हैं। कौन है वो पपीहा? दिखाते हैं कि नदी के एक किनारे पपीहा बैठता है और दूसरे किनारे उसकी युगल बैठी होती है, है? चकवा चकवी भी कहते हैं। तो दोनों चकवा चकवी हैं, विषय वैतरणी नदी के एक इस पार बैठा हुआ है और दूसरा उस पार बैठा हुआ है। कौन है वो चकवा चकवी? अरे हाँ, शंकर और पार्वती, वो एक किनारे पर है, विष पी रहा है और वो विष पीती है क्या है कि जन्म जन्मांतर निर्विष होकर के रहती है? वो व्यभिचारी नहीं बनती है कभी क्या? नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए उसका विरुद्ध है, वरों शंभु नतु रहो कुंवारी। विषय विकार व्यभिचारी की तो नाम मात्र भी नहीं। उस पपीहे के लिए गायन है। जब भगवान आते हैं, ज्ञान की बरसात बरसाते हैं तो उसकी पहली बूंद उसके मुख में जाती है तो क्या बन जाते हैं? ज्ञान के रतन बन जाते हैं। और दूसरी आत्माओं के मुख में वो ज्ञान जाता है लेकिन रतन नहीं बनते। और ये करौली वाली माता की दो मूर्ति बताइए, किसकी है? करौली वाली माता की दो मूर्ति बताइए ना। हाँ, ये तो आप जाने, आपने देखी है, उसकी कथा कहानी बताओ डिटेल में तो कुछ बात क्लियर हो। ऐसे कैसे बता दिया जाए? हैं? वो तो सुन लिया, लेकिन करौली के मंदिर में जिसकी मूर्ति है उसकी कथा कहानी है कुछ वो पता नहीं है तो फिर कैसे बताया जाए? और वृक्ष के झाड़ में सत्युग और त्रेता, सत्युग और त्रेता जो वेश दिखाया हुआ है उसमें पत्ते नहीं दिखाए। सत्युग और त्रेता में पत्ते नहीं दिखाए, पत्ते नहीं दिखाए हैं। जो पत्ते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, यह थोर सबसे जास्ती पावरफुल होता है, है? ज्यादा कीमत किसकी होती है? है? थोर की बहुत कीमत होती है, पत्तों की कोई खास कीमत नहीं होती है।
इसलिए आदि में थुर है या आदि में पत्ते हैं? है थुर है, वो देवी देवता सनातन धर्म का थुर है। उसकी जो कीमत है वो कोई भी धर्म की कीमत नहीं हो सकती। और कहते हैं आम फलों का राजा है और केला फलों की रानी है ना? तो फलों का राजा पुरुष होता है या स्त्री होती है? पुरुष होता है फलों का राजा। पुरुष अपवित्र बनते हैं जास्ती या रानी जास्ती अपवित्र बनती है? हैं? पुरुष जास्ती अपवित्र बनते हैं तो राजा अपवित्र बनता है तो कोई बात नहीं। ज्वाइंट होते हैं, आज इससे बुद्धि लड़ाई, उससे लड़ाई आंख, उससे इंद्रियां लड़ाई, उससे इंद्रियां लड़ाई, व्यभिचारी बनने दो, पुरुषों का तो धंधा ही है। इसलिए मुरली में क्या बोल दिया, पुरुष सब सब दुर्योधन दुशासन। लेकिन जो फलों की रानी है वो एक से ज्वाइंट होना अच्छा है, अकेला रहना अच्छा है, या कोई दूसरे फल के साथ या केले दूसरे केले के साथ ज्वाइंट होना अच्छा है? ये तो खराब बात हो गई ना। ब्रह्मा बाबा भी बोलते थे मुरली में कि यहां तो ऐसी ऐसी कन्याएं माताएं हैं यज्ञ में सरेंडर होकर बैठी हैं जो आपस में ही लगाव लगा लेती हैं, आपस में ही उनकी बुद्धि, उनकी दृष्टि, उनकी इंद्रियां आपस में चिपकती रहती। तो ये व्यभिचारे नहीं हुई, व्यभिचार की शूटिंग कर रही है या व्यभिचारी दुनिया बना रही है? क्या बना रही है? और बेसिक में तो ऐसा होता ही था, चलो बेसिक में तो रानियां निकलनी है क्योंकि बेसिक में सब धर्मों के हैं, और एडवांस में भी सब धर्मों के हैं। जो सूर्यवंशी असल हैं वो तो जरूर अभी व्यभिचारी होकर के रहेंगे, और राजाओं वाली आत्माएं हैं। परंतु अगर स्त्री चोला है तो स्त्री चोले का तो ये धर्म है कि अच्छे से पवित्रता को धारण करे, बुद्धि एक के सिवाय कोई दूसरे में ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए, भले वो स्त्री चोला ही क्यों न हो। अरे इस जन्म में स्त्री चोला है और पिछले जन्मों में क्या पता है पुरुष चोला रहा हो, तो शूटिंग अच्छी होगी या खराब होगी? है खराब शूटिंग हो जाएगी, व्यभिचारी दुनिया बनाने के निमित्त बन जाएंगे, नरक की दुनिया बनाने के निमित्त बनेंगे तो नरक में ही गिरेंगे, स्वर्ग में ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। तो वो ज्वाइंट केला नहीं खाना चाहिए, भक्ति मार्ग में बातें बनाई हुई हैं, भक्ति मार्ग में स्थूल में बातें बनाते हैं लेकिन बातें कहां की हैं, रियल बातें हैं संगम युग की। और वो तो शास्त्रों में लिखे हुए, बाबा से क्या पूछते हो, कोई भी विद्वान पंडित आचार्यों से पूछ लो, टीवी देख लो। अरे टीवी में समुद्र मंथन दिखाते हैं कि नहीं, उसमें देख लो, ढेर सारे सारे ही रत्नों के नाम पता चल जाएंगे। और बाबा भक्ति मार्ग में एकादशी व्रत करते हैं, हैं? तो
बाबा से पूछेंगे तो बाबा भक्ति करने के लिए मना करेंगे या कहेंगे खूब भक्ति करो ताकि तुम्हें भगवान मिल जाए, तुम्हें ज्ञान मिल जाए? बाबा मना करेंगे या कहेंगे कि खूब भक्ति करो? मना करेंगे। अरे भक्ति करने के लिए मना करेंगे तो इन्हें भगवान कैसे मिलेगा? इनकी भक्ति करने की दिल हो रही है, इसका मतलब इन्हें भगवान नहीं मिला है। अगर भगवान मिला होता तो ये भक्ति करना छोड़ देते, ज्ञान की बातें उठाते, ये भक्ति के ही कर्मकांड करेंगे। क्या करेंगे? ज्ञान मिला तो भक्ति उड़ जानी चाहिए। अरे जोर से बोलो, कुछ समझ में आए? है? क्या बोला? गणेश जी है ना, तो गणेश जी जो हैं उनकी एक भुजा इधर दिखाते हैं, एक भुजा इधर दिखाते हैं, पांव नीचे को दिखाते हैं, सूंड ऊपर को दिखाते हैं, तो उनकी ये चार भुजाएं हो गई स्वास्तिका की निशानी। अपना जो षष्ठी चक्र का चित्र है, उस षष्ठी के चित्र के चक्र के चित्र में ऊपर कौन बैठे हुए हैं? कोई बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? किसका चित्र है? ब्रह्मा और सरस्वती का चित्र है। तो वो ब्रह्मा गणेश की आत्मा है। गण माने समूह देवताओं का, और ईश माने स्वामी। जितने भी सतयुग में देवताएं हैं उन सब देवताओं का मुख्य देवता कौन है? सतयुग में कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। तो वो कृष्ण वाली आत्मा ही गणेश है। जब नई सृष्टि की शुरुआत होती है तो पहले पहले कौन सा पत्ता है? वो ही गणेश है। इसलिए गणेश की पूजा पहले होती है। वो चारों युगों में चक्र काटता है, इसलिए चार भुजाएं दिखाई हैं। माना स्वस्तिका में गणेश बैठा हुआ है। और किसी के शरीर में कोई चोट नहीं करती है तो मतलब जिसका जो शरीर है वो आत्मा पावरफुल होती है? शिव बाबा आता है, प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने वाला पावरफुल है, जो कंट्रोल करता है वो पावरफुल है, या जो कंट्रोल होता है वो पावरफुल है? है? अरे स्त्री को पुरुष कंट्रोल करता है या पुरुष को स्त्री कंट्रोल करती है? कौन किसको कब्जा कर लेता है? पुरुष कब्जा कर लेता है। ऐसे ही जो आत्मा प्रवेश करके अपना पार्ट बजाती है और उसका पार्ट बंद कर देती है, दोनों ही आत्माएं हैं लेकिन एक आत्मा कुछ नहीं कर पाती जिसका शरीर है, बांध लिया अच्छी तरह से पकड़ लिया, तो कौन पावरफुल हुई? जिसने पकड़ लिया वो पावरफुल हो गई, और जो पकड़ में आ गया वो अबला हो गई। इसलिए बोला कि बिंदी बन जाओ, बिंदी आत्मा बनो,
बिंदी आत्मा से ज्यादा सूक्ष्म कोई चीज नहीं होती। भूत प्रेत जो प्रवेश करते हैं उनका सूक्ष्म शरीर होता है, वो उतना सूक्ष्म नहीं है जितनी आत्मा सूक्ष्म है। सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में ज्यादा ताकत होती है? है? अरे एटम में ज्यादा ताकत होती है या बड़े बड़े मकान बने हुए हैं उनमें ज्यादा ताकत है? एटम, आत्म, आत्मा कहो या स्थूल में एटम कहो, जितना सूक्ष्म होगा उतनी जास्ती ताकत होगी। आगे चल करके ऐसा टाइम आने वाला है कि दुनिया में एटम बम फटेंगे, ये पृथ्वी डोलायमान हो जाएगी, बड़े बड़े भूकंप आवेंगे, और ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख रहे हैं मल्टी स्टोरी 100-150 मार की बन रही हैं, इनमें रहने वाले लाखों लोग दब के मर के खलास होने लगेंगे, अकाले मौत मरेंगे। जो अकाले मौत मरते हैं उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, भूत प्रेत बनते हैं। दुख में शरीर छोड़ते हैं या सुख में शरीर छोड़ते हैं? अंत मते सो गते हो जाती है। उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, वो ढेर के ढेर सूक्ष्म शरीर वाले निकलेंगे। किस समय प्रवेश करेंगे? है? सारी दुनिया तो मरेगी, जो 84 जन्म लेने वाले हैं 9 लाख, उनमें भी जो जन्म देने वाले हैं 4.5 लाख वो जिंदा रहेंगे, उनमें वो आत्माएं टाइम टू टाइम प्रवेश करती रहेंगी। तो तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी? है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? इसलिए क्या करना है, रोज सवेरे उठ के कुछ याद ना आवे, उठते ही उठते क्या करना है, मैं ज्योति बिंदु स्टार आत्मा हूं, मैं सितारा हूं, उस सितारे को यहां याद करना है। मुख से बोलना नहीं मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, नहीं, जिसको याद किया जाता है उसका रूप याद आता है या नाम रखते हैं? रूप याद आना चाहिए। तो आत्मा को सवेरे सवेरे याद करना है, फाउंडेशन पक्का डालना है, तो सारा दिन आत्म की स्थिति सहज बनी रहेगी। और आत्म की स्थिति सहज बनेगी तो सारा दिन परमात्मा बाप भी सहज याद आवेगा। ये निरंतर याद और सहज याद का मूल मंत्र है। 70 साल हो गए वो ही बात समझाते समझाते, लेकिन कोई की बुद्धि में बैठ ही नहीं रहा। रोज कहते हैं अमृत बेला पक्का करो, आत्म की स्थिति में बैठो, बाप की याद में बैठो, लेकिन क्या करते हैं, बैठते हैं? नहीं बैठते हैं, बैठ जाते हैं लेकिन कुंभकर्ण बन जाते हैं। और बाबा आड़ी चिड़िया है वो लकड़ी ही लेकर के जमीन को उतरती है, लकड़ी लेकर के ही जमीन। ये रजिस्टर माताओं की तरफ नहीं आया, कहाँ छोड़ दिया साइन रजिस्टर? आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? हाँ बोलो। हाँ बाबा जी, जो हाड़े चिड़िया है, हाड़े चिड़िया, हाड़े हाड़े बोलते हैं, हाड़े ये क्या होता है? पंजिया का नाम है, ये पक्षी होता है, ये लकड़ी लेकर के ही जमीन को उतरता है, लकड़ी लेकर के ही उतरता है, लकड़ी लेकर के ही उतरता है, वो जमीन में पैर नहीं रखती। बताते हैं हम तो, ये रामचंद्र जी की बहन थी। अरे कहाँ दुनियादारी की बातों में फंसे पड़े हो, तो मुरली का कोई पॉइंट याद नहीं रहता है।
अव्यक्त वाणी का कोई पॉइंट ही नहीं आ रहता है। और मनुष्यों की सुनाई हुई कथा कहानियां झूठी पट्टी ये याद रहती है। हाँ और शंकर को डमरू है, शंकर को डमरू है, डमरू जो है उसमें खासियत होती है बजेगा तो दोनों तरफ। लेकिन है क्लास रजिस्टर नहीं आया, ये साइन काहे पे हुए? साइन तो आपने कर लिए पर रजिस्टर ने काम कर दिया। कहाँ है? अच्छा बस बस मिल गया मिल गया, रहने दो। अरे क्या बात हो रही थी? है हाँ, जो डमरू है वो एक ऐसा वाद्य यंत्र है कि जिसकी गोली एक साथ एक ही सेकंड में दोनों तरफ बजती है या एक तरफ बजती है? नहीं, एक है तो दो तरफ कैसे बजेगी एक ही साथ? पहले एक तरफ बजेगी फिर दूसरी तरफ बजेगी, दोनों तरफ बजती है बारी बारी से। तो जरूर कोई ऐसी आत्मा है जो भक्ति मार्ग में भी आवाज करती है और ज्ञान मार्ग में भी आवाज करती है, भटकती रहती है कभी इधर और कभी उधर, कभी भक्ति मार्ग वालों का नाम बाला करती है, झांझ मजीरे बजाती है, कभी ज्ञान मार्ग वालों का नाम बाला करती है। जिधर बजेगी उधर ही नाम बाला करेगी। कौन है वो आत्मा? है नहीं, वो तो शरीर छोड़ने के बाद बोलती ही नहीं है। नहीं, छह मुख वाला कोई देवता है? कार्तिकेय, वो छह मुख हैं, छह उधर्मों की बातें करता है। इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख, ये छह धर्म आस्तिक धर्म हैं, भगवान को तो मानते हैं। माने विधर्मियों की भी तरफ बजती है। और जब पक्का ज्ञान मिल जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो ज्ञान की तरफ भी बजती है। जब विनाश होता है तो एक तरफ बजती होगी कि दोनों तरफ बजती होगी? है दोनों तरफ बजती है। इसलिए जब विनाश का टाइम होता है तो शंकर का डमरू डम डम बोले। संक्षेत्र में भी विनाश हुआ था ब्राह्मणों की दुनिया में, तो पहला लिटरेचर निकला था एडवांस पार्टी में जो डमरू ही ने बजाया था। क्या उसका हेडिंग था? शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। 9 पेज का लिटरेचर एक ही रात में लिख डाला और दूसरे दिन छपाए के सब सेंटरों में भेज दिया। इतना तीखा बजता है। अभी वो आत्मा और धन संप्रदायों मठ संप्रदायों में जाकर के झांझ मजीरा बजा रही है, फिर बीच बीच में आकर के भट्टी भी कर लेती है, फिर तिरक जाती है।
उसका विशेष पार्ट है ही आदि और अंत में। और बाबा ने बोला है कि बाप दादा किसी के पार्ट के बारे में ना तो बोर्ड पर लिख के बताएंगे, किसी के पार्ट को ना तो बोर्ड पर लिख के बताएंगे ना कागज पर लिख के बताएंगे। जैसे अभी कोई आत्मा अपने पार्ट को महसूस कर रही है, महसूस कर रही तो प्रूफ बताए, बिना प्रूफ और प्रमाण के कौन मानेगा? जो मानेगा बिना प्रूफ प्रमाण के कोई बताए मैं राम हूँ, मैं शंकर हूँ, अपनी एक्चुअली जब महसूस कर रही है तो उसको चेंज कर सकती है? तो प्रूफ चाहिए ना, अभी चेंज कर सकती है प्रसाद से आगे तो और महसूस कर सकती है? हर बात का प्रूफ चाहिए, प्रूफ सहित बताए, प्रूफ सहित करके दिखाए। अभी जैसे कुछ महसूस कर रही है जैसे बताया, कुछ चेंज नहीं होता है ड्रामा में, जो रिकॉर्ड में नूद हो गया वो कल्प कल्पांतर के लिए नूद हो गया, चेंज होने का कोई सवाल नहीं। इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में 84 जन्मों का पार्ट हर आत्मा का अलग अलग नुधा हुआ है, हर आत्मा अपने पार्ट के आधार पर पार्ट प्ले करती है रंगमंच पर, कुछ तब्दील नहीं होता है। जैसे कल पहले पार्ट बजाया था वैसे अब भी बजाएगी, कोई जिंदगी भर झूठ बोलता रहा अभी ज्ञान में आने के बाद उसने अपने को चेंज कर लिया, वो चाहे कि पास्ट की जिंदगी में जो हमने झूठ बोला है पाप कर्म किए हैं वो हम चेंज कर दें तो चेंज नहीं कर सकती, कोई परिवर्तन नहीं होगा पास्ट में बजाए हुए पार्ट का। स्टार्ट में बताओ क्या बोला? हाँ बस, हाँ समझ लिया क्या? अच्छा जी का कहना है कि जो पाठशाला जो कमरे में चलाते हैं उसमें आत्माएं कोई ज्यादा आ जाती है तो कम पड़ जाता है, इसके ऊपर व्यवस्था कराना चाहती है इजाजत मांग रही है। इसमें क्या बात है? जानती हो गई है, ईट रखी हुई है बहुत दिन से, अब कारीगर नहीं मिल रहा। न कारीगरों की जरूरत है न ईट की जरूरत है, जैसे गरीब लोग होते हैं झोपड़ी बनाते हैं चार खंबे खड़े किए लकड़ी के कर देते हैं ना, गड्ढे में गाड़ देते हैं खंबे और उसके ऊपर घास फूस का मकान बड़ा बढ़िया तैयार हो गया। घास आती है ना लंबी लंबी, वो लंबी लंबी घास का झोपड़ी बना दो, थोड़े से बांस लगेंगे बस, कोई खर्चा करने की दरकार नहीं। चेन्नई में मद्रास में भी ऐसा एक क्लास चलता है, बड़ी गीता पाठशाला है, सब इकट्ठे होते हैं वहां, वो ताड़ पत्री उन्होंने छाई हुई है झोपड़ी में, तो ऐसे ही बना दो। हाँ चोट लगती है, बड़ी चोट लगती है तो हाथ पांव टेढ़ा हो जाता है कि नहीं है? होता है ना, तो ऐसे ही अष्टावक्र को 8 जगह से बड़ी भारी चोट लग गई, उन्होंने 8 पट रानियां बनाई थी, कैसी रानियां? जो पट में गिरने वाली थी, आप गए और घालें
खुद तो नीचे गिरते ही हैं और संगी साथी को भी नीचे गिरा देते हैं। तो आठ जगह से उनके हड्ड गुड्ड टूट गए और बन गए अष्टावक्र। वैसे भक्ति मार्ग में उनका दूसरा नाम प्रसिद्ध है जिसे कहते हैं त्रिभंगी लाल। तीन जगह से टेढ़ा, टांगे टेढ़ी दिखाते हैं, फिर कमर टेढ़ी दिखाते हैं, फिर मुरली टेढ़ी दिखाते हैं। तो त्रिभंगी लाल भी गाया हुआ है और अष्टावक्र भी गाया हुआ है। ये कलयुगी जो भी पट रानियां होती हैं, जो पुरुषार्थ बहुत ऊंची स्टेज का करती हैं, बहुत ऊंची जाती हैं, बहुत नाम वाला होता है उनका दुनिया में, लेकिन पवित्रता की स्टेज में कोई पूजी नहीं जाती। रुक्मिणी पूजी जाती है? नहीं पूजी जाती। जामवंती पूजी जाती है? सत्यभामा पूजी जाती है? नहीं पूजी जाती। आठों पटरानियां पुरुषार्थ में ऊंचे उठते 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 जब फाइनल पेपर आता है तो पट से नीचे गिरती है, खुद भी गिरती है और अष्टावक्र को भी नीचे गिरा देती है। तो भयंकर चोट लगेगी या नहीं लगेगी? भयंकर चोट लगती है। आठ जगह से बेचारे टेढ़े हो जाते हैं।